इन्वायरमेंट पर्यावरण की परीक्षा के को लेकर जिन बच्चों के मन में कोई कंफ्यूजन है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकुश और ब्लॉग्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बता दें कि यूजी स्तर पर बीए बीएससी बीकॉम करने वाले सभी छात्रों को सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नेशनल प्राइज और इन्वायरमेंट का पेपर देना होता है। जो बच्चे पिछले साल पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में, उनका एग्जाम नहीं हुआ है, वो प्रमोट हुए, वो बच्चे थर्ड ईयर में एग्जाम्स देंगे। 12 मई को पर्यावरण एनवायरनमेंट की सभी बच्चों की परीक्षा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की सबकी। तो सभी छात्र अपनी परीक्षाएं दें। परीक्षाएं दो पाली में हैं, लड़कों की जो है वो सेकेंड मीटिंग में परीक्षा है, लड़कियों की जो है वो प्रथम पाली में परीक्षा है। परीक्षाएं सिर्फ 2 घंटे की होंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो आपको बता दें कि 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, टिक लगाने वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन सभी बच्चों के लिए यही सलाह है कि आपके नज़दीकी दुकान पर अवध सीरीज या कोई भी गाइड उपलब्ध है। इस विषय में लापरवाही ना करें, गाइड या सीरीज लेकर जरूर पढ़ें। कुछ लोग आपको बताएंगे बिना पढ़े आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन रिस्क ना लें। काफ़ी बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं। समस्या ये आती है कि बाद में आपको टाइम लगेगा पास करने में, रिजल्ट आपका देर से आएगा। दूसरी बात, आप जब बैक पेपर डालते हैं तो आपके लिए खर्चे बढ़ जाते हैं, फजूल में आपके 1500-1600 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, परीक्षाएं आपको यूनिवर्सिटी देने जाना पड़ेगा। इन सभी समस्याओं से बचना है तो अभी समय है, अपने नज़दीकी दुकान से बुक लेकर पढ़ लें जरूर, सीरीज से पढ़कर जरूर परीक्षा दें। इस वीडियो में इतना ही। परीक्षा संबंधित कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।